मंगलौर के लिपरहेड़ी गांव में हिंसक झड़प मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से घटना हुई, वोट डालने आ रहे लोगों को चिन्हित कर डर का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों विधानसभाओं में पहले दिन से ही कांग्रेस मजबूत है, जिससे बीजेपी में बौखलाहट है। केदारनाथ विधानसभा से भाजपा विधायक शैलरानी रावत के निधन के बाद बुधवार को उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। उनके पार्थिव शरीर को मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सुबह से ही भाजपा समेत अन्य दलों और आम लोगों ने उनके अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बरसात के चलते फल और सब्जियों के दामों में उछाल देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद सब्जी के दामों में उछाल आया है। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए पसंदीदा सब्जी खरीदना मुश्किल हो रहा है। हल्द्वानी में छुट्टी पर घर आया सेना का जवान साथियों के साथ नहाते समय गदेरे में बह गया, जिसकी तलाश में राजस्व पुलिस एसडीआरएफ और फायर टीम अभियान चलाए हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं रुद्रपुर के शांतिपुरी में एक किशोरी बकरी चुगाने समय पैर फिसलने से गोला नदी में बह गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, लेकिन किशोरी का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास दोपहर करीब 12:15 पर पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। यहां पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे कल सुबह 7 से बंद पड़ा है। यहां पर कल भारी चट्टान आने से हाईवे पर यातायात बंद हो गया। अभी यहां पर हाईवे को खोलने का काम जारी है। हाईवे बंद होने से सभी वाहनों को रोका गया है। काशीपुर में सरिया बनाने वाली उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट हुआ है। हादसे में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को काशीपुर के केवीआर अस्पताल में भेजा गया। पिघलते लोहे में पानी के कण जाने से विस्फोट हुआ। नैनीताल हाईकोर्ट ने अभियुक्त हरमीत द्वारा 2014 में दीपावली की रात को अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने पर सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा उसे फांसी की सजा दिए जाने के मामले पर सुनवाई के बाद उसे अंडरगोन पर छोड़ दिया है। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि वो 10 साल से मानसिक रोग से गुजर रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने इसी आधार पर उसे छोड़ दिया। उत्तराखंड शासन द्वारा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन कर निर्धारित करने को लेकर प्रदेश के 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। अब जमीनी स्तर पर सभी भवनों, प्राइवेट और कमर्शियल संपत्तियों का सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को हड़ताल करने की इजाजत नहीं होगी। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के ऊर्जा कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए अगले 6 महीनों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि ऊर्जा कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं, इसके लिए शासन की तरफ से समय समय पर कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।